राजेश तिवारी के मर्डर के बाद हिंदूवादी नेताओं को सताने लगा डर। साध्वी प्राची ने मांगी सुरक्षा। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के बाद कई हिंदूवादी नेताओं ने अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। बता दें कि कमलेश तिवारी की हत्या के बाद फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता मानी जाने वाली साध्वी प्राची ने रविवार को कहा है कि उनकी जान को खतरा है। उन्हें भी बीते 10 सालों से कट्टरपंथियों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति से अवगत करा दिया है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। साध्वी प्राची ने कहा कि मैं ईश्वर में पूरा भरोसा रखती हूँ और इसीलिए अब तक इस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो उस हत्या ने मुझे परेशान कर दिया। हिंदू नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ लोग उनके आश्रम में आए थे और मेरे बारे में पूछताछ भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि मेरे सुरक्षा की ज़रूरत है। साध्वी प्राची ने बताया कि जिस मौलवी ने कमलेश तिवारी के खिलाफ फतवा जारी किया था, उसी मौलवी ने उनके खिलाफ भी फतवा दिया था। ऐसे में उनकी जान के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि कमलेश तिवारी की जघन्य हत्या के बाद यह साफ हो गया है कि उन्हें किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। धन्यवाद। कमलेश तिवारी की जो नरसंस हत्या हुई है, मैं समझती हूँ कि वो पूरे देश को दहलाने वाली घटना हुई है और हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना है। इस घटना से मैं समझती हूँ योगी जी को अपने संज्ञान में लेकर के जिन अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा हटाई उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिजनौर के जो मौलाना 51 लाख का जो इनाम की घोषणा करते हैं कि कमलेश तिवारी का जो सर कलम करके लाएगा 51 लाख रुपए देंगे, उसी मौलवी ने साध्वी प्राची, साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ को भी उस वीडियो में मैंने खुद सुना है नाम लिया है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो लोग कट्टरपंथी जेहाद फैला रहे हैं, जेहादी जो विचारधारा है उस विचारधारा से देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस जेहादी विचारधारा पर प्रतिबंध लगना चाहिए और मस्जिदों से जो फतवे जारी होते हैं सिर कलम करने के, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको भी धमकी मिल रही है? हाँ, मुझे भी धमकी बराबर मिल रही है, 10-12 साल से मिल रही है। मैंने इसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जिस दिन कमलेश तिवारी की हत्या हुई उस दिन मैंने इसको गंभीरता से लिया है और सरकार से मैं भी मांग करूंगी कि मुझे सुरक्षा दी जाए। मुजफ्फरनगर कांड के बाद बहुत बार धमकियां मिली, मेरी गाड़ी तुड़वाई गई, उत्तर प्रदेश में ना घुसने देने की बात कही, राम मंदिर की बात करोगे तो तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा, ISI की धमकी आई मेरे ऊपर, जनसभा में टिफिन में बम रख करके बम विस्फोट किया गया रुड़की के अंदर। लेकिन मैं परमात्मा पर भरोसा करके निश्चित रूप से अबाध गति से काम करती रही। अच्छा, दूसरी सरकारों में आप डरी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अब आपका कहना है कि डर लग रहा है? हाँ, निश्चित रूप से डर लग रहा है। सरकार हमारी है, उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी सरकार है, ऐसे हालात देख करके डर लग रहा है। क्या करना चाहिए? उस जेहादी सोच को खत्म करने के लिए योगी जी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। किस तरह? केवल वोट बैंक की राजनीति छोड़िए, हिंदुओं को की रक्षा के लिए निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, ये जो पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है ना, ये मिनी पाकिस्तान बना हुआ है
और यहाँ पर ये जेहादी जो फतवे जारी करते हैं उसका एक्शन है ये कमलेश तिवारी की गर्दन को साफ कर देंगे।